हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मेरे चैनल वाह क्या स्वाद है में आपके लिए लेके आए हैं पत्ते जो कि है सरसों के। इनकी हम सूखी सब्जी बनाएंगे और इसमें हम ये कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या सामग्री हम इस्तेमाल करते हैं वो आपको बताएंगे। तो ये हमने सरसों के पत्ते ले लिए हैं हरे, और इसको हमने अच्छी तरह साफ करके अच्छी तरह 4-5 बार पानी में धो लिया है। और इसकी जो ये डंठल होते हैं इनको भी अच्छी तरह छील के साफ कर लिया है। और इसमें हम इसको हम पहले काटेंगे, फिर उसके बाद हम पानी डाल के कुकर में उबालेंगे। और उसके बाद में हम जो सामग्री ले रहे हैं वो हम आपको बताते हैं हमने इसमें क्या क्या सामग्री इस्तेमाल की है। देखिए दोस्तों, इसमें हम बनाने के लिए सब्जी को बनाने के लिए सूखी सब्जी को हम इसमें डाल रहे हैं 2 प्याज कटी हुई बारीक, 2 हरी मिर्ची है ये बारीक कटी हुई, 1 लहसुन का टुकड़ा है, सॉरी अदरक का टुकड़ा है, और ये हमने लहसुन ली है 2। इसमें हमने 1 टुकड़ा अदरक का लिया है, 2 गांठ हमने लहसुन के लिए इनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। और इसमें मसाले में डलेगा नमक स्वाद अनुसार हमने 1 चम्मच लिया है, और हल्दी ली हमने 1 चम्मच, और 1.5 चम्मच हमने इसमें लाल मिर्ची ली है क्योंकि यह हरी सब्जी है तो इसमें मिर्ची ज़्यादा ही चाहिए होती है, नहीं तो ये फीकी फीकी बनती है। और 1.5 चम्मच हमने इसमें सूखा धनिया लिया है। ठीक है दोस्तों, और अब इसको हम किस तरह बनाते हैं वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों हमने छोंकने के लिए ये जीरा लिया है 1 छोटा चम्मच, और 100 ग्राम हमने इसमें सरसों का तेल लिया है। इसको हम सरसों के तेल से ही बनाएंगे, रिफाइंड से नहीं बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हमने ये 1 लीटर पानी ले लिया है, इसको हम उबालेंगे। और अब हम अपनी गैस को ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने गैस ऑन कर ली है। अब इस पानी को हम गर्म कर लेंगे और इसके अंदर हमारा कटा हुआ जो बारीक पत्ते का सरसों की सब्जी है वो बनाएंगे इसमें काट डालकर। ठीक है, और आइए दोस्तों, अब हम अपने हरे पत्ते की सरसों को उबाल लेते हैं इसके अंदर। देखिए दोस्तों, हमने सरसों के पत्तों को बारीक बारीक काट लिया है, इसके डंठलों को भी काट लिया है, और अब हम इसको इस पानी के अंदर डाल देते हैं गर्म पानी के अंदर। ये देखिए, अब ये पानी के अंदर गर्म हो जाएंगे, उबल जाएंगे। अब हम आगे का आपको इसकी विधि बताते हैं कि इसको कैसे हम सब्जी को बना रहे हैं, सूखी सब्जी को। ठीक है दोस्तों, और फिर इसको हम बनाकर आपको बताते हैं आगे की कि इसको हमने कैसे कढ़ाई में इसको किस तरह से हमने बनाया है, और कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हमने डाली हैं वो बताते हैं। ये सर्दियों की सब्जी है, ये बहुत ही गुणकारी होती है सेहत के लिए, और ये शरीर को एनर्जी भी देती है, पौष्टिक रहती है, और दूसरा इससे शरीर को और दोस्तों ये सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, गुणकारी होती है हमारे शरीर के लिए, सेहत के लिए, आँखों के लिए भी, और ये शरीर को बहुत ही है ना फ़ायदा पहुंचाती है, शरीर को गर्मी देती है। और जब तक सर्दी में ये सब्जी बन आती है तब तक ये सब्जी को बना बना के खाना चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है हरी सब्जी सरसों की। और ये और भी बहुत अलग अलग तरीक़ों से बनाई जाती है, हम आगे भी आपको बताएंगे कि ये किस किस तरीके से बनती है। तो अभी ये हमारी उबल रही है और फिर आगे हम इसको कैसे बनाते हैं वो हम आगे आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो हमारे सरसों के पत्ते उबालने के लिए रखे थे काट कर बारीक, वो उबल चुके हैं। अब हम इसकी सब्जी बनाने की विधि आपको बताते हैं। अब हमने ये देखिए गैस हम अपनी ऑन कर लेते हैं, गैस हमने ऑन कर ली है। अब हमने इस पर एक कढ़ाई रख दी है। ठीक है, अब इसके अंदर हम डालेंगे 100 ग्राम सरसों का तेल। ये देखिए, ये सरसों का तेल हम डाल रहे हैं, ये सरसों का तेल हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम गर्म होने के लिए रख छोड़ देते हैं। अभी सरसों का तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर जीरा डाल लेते हैं। ये हमने जीरा डाल दिया है,
और ये जीरा हमारा लाल भूरा हो रहा है, तब तक हम इसके अंदर डाल देते हैं लहसुन। ये लहसुन हमारे बारीक कटे हुए हैं, ये हमने डाल दिए हैं। और थोड़ा सा हम मिला लेते हैं और इसके अंदर हम डाल रहे हैं हमारी बारीक कटी हुई प्याज। दोस्तों ने इसमें प्याज गिर दी है, इसमें हरी मिर्ची और हमारा बारीक कटा हुआ हरा लहसुन के पत्ते हैं वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं। हरी अभी हमारा जब तक गोल्डन ब्राउन हमें अच्छी तरह से सुनहरा हो जाता है भुनकर, तब तक हम इसको भूनेंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे। बारीक बारीक काट के रखे थे वो, और इसमें हम हींग डाल लेते हैं। ये हम हींग डाल रहे हैं इसमें। अभी जब तक सुनहरा होता है हमारा प्याज और हरी मिर्ची अच्छी तरह सुनहरी होती है तेल में पका, तब तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर मसाला डालेंगे। अब हमने फ्लेम को तेज कर लिया है, फ्लेम हमने फुल कर लिया है। अच्छी तरह बनता जा रहा है, इसमें बनता भी अपना जो हमने तेल में डाली है उसका अलग ही, इसमें तेल की अपनी अलग ही खुशबू आएगी। देखिए दोस्तों, हम अब इसके अंदर अपना धनिया डाल रहे हैं। ये हमने धनिया डाल दिया है, ये हम हल्दी डाल रहे हैं एक चम्मच छोटी, और ये 1.5 चम्मच हमारी लाल मिर्ची है, ये हमने इसमें डाल दिए। सबको हम डाल देते हैं और इसमें हम पानी डाल रहे हैं, मसाले पानी तकरीबन 50 ग्राम हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसमें जो हमने 1 चम्मच नमक लिया था वो डाल रहे हैं। ये नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं, हमने 1 चम्मच ही लिया है इसमें। हम गैस की फ्लेम को फुल कर लेते हैं। ये देखिए गैस की फ्लेम को फुल कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को फुल कर लेते हैं। ये देखिए अब हम अपने मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है, और ये देखिए इसके अंदर अच्छा नमक लाल रंग भी आ गया है और तेल भी आ गया है, इसका तेल छोड़ गया मसाले में। इसका मतलब है कि ये मसाला हमारा पक चुका है पूरी तरह। अब इसमें हम कटे हुए बारीक टमाटर डाल देते हैं। ये देखिए और टमाटर डालने से अच्छी लगे पका लेंगे, जब तक ये गल जाते हैं टमाटर। देखिए दोस्तों, मसाले में हमने जो टमाटर डाले थे अपने बारीक कटे हैं,
ये हमारे टमाटर बहुत अच्छे पक गए हैं। ये देखिए अब हम इसके अंदर जो हमने हमारे सरसों के पत्ते बारीक काट कर उबाले थे उनको अच्छी तरह से पानी निकाल लिया है, हाथों से निचोड़ कर अच्छी तरह से। और अब हम इसको अपने मसाले में डाल देते हैं। ये देखिए गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देते हैं। ये देखिए मैंने स्लो कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से इसमें चला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं मसाले के अंदर हमारे इन पत्तों को। ये देखिए अभी हम इसको धीमे धीमे आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे और इसको ढक्कन से ढक देंगे। इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, ढक्कन से ढक देंगे। ये धीमी धीमी आंच पे थोड़ी देर अपने पकता रहेगा। उसके बाद ये किस तरह से बनके तैयार होएगा, पककर तैयार होएगा हम बताते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, इसका ढक्कन हम हटा लेते हैं। और ये देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनकर तैयार होगी। और अगर आपको लगता है कि इसमें पानी कम रह रहा है, आपकी सब्जी सूखने लगी है, तो जो हमने ये पानी उबाला था पानी भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, डाल के और थोड़ा पका सकते हैं इसको, जिससे कि इसमें मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो पानी को फेंके नहीं, इसमें काम में ले सकते हैं सब्जी के अंदर। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, आप भी सब्जी को ऐसे ही बनाएं। और दोस्तों हमने जो ये पानी इसका उबाला हुआ था, इस पानी को हम अपने पीने के काम में भी ले सकते हैं। वो पानी बहुत गुणकारी होता है, हमारे शरीर के लिए पौष्टिक होता है। हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। इस पानी में नमक डालकर आप चाहें तो भुनावा जीरा भी इसमें डाल के और पी सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल लें, थोड़ा सा भुनावा जीरा डाल लें, और चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची का बारीक मसाला करके पूरा करके वो भी डाल के पी सकते हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा गुणकारी रहेगा, इससे आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी पानी से भी और इससे भी। ठीक है दोस्तों, अब हमारी ये सब्जी तैयार हो चुकी है। हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम इसके साथ बनाने के लिए खाने के लिए हमने जो सब्जी बनाई है अपनी सरसों की, इसके साथ खाने के लिए ये हम पराठा बना रहे हैं। ये पराठे पे हमने तेल लगा लिया है। इस सब्जी को हम पराठे के साथ खाएंगे। आप चाहे तो इसे मक्के की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ, सादा गेहूं की रोटी के साथ खाएं। आज हम इसे पराठे के साथ सर्व करेंगे, पराठे के साथ खाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने अपना पराठा अलग लिया है और ये हमारा सिकने के बहुत ही तैयार हो रहा है सिकने के लिए। और हम इस पर रिफाइंड तेल लगाएंगे। देखिए दोस्तों, हम इस पर रिफाइंड तेल लगा लेते हैं।
ये लीजिए। देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा सीख कर तैयार हो रहा है। ऐसे हम इसको पलट कर और सीख लेंगे दूसरी तरफ से। हमारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है, ये देखिए दोस्तों। अब हम आपको इसे सर्व करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी सरसों की उबली हुई सरसों की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। हमने इसके साथ में पराठा बनाया है, मूली भी है। आप इसे पराठे के साथ, मूली के साथ में खाएं। और आज हम इसी तरह से बनाए हैं। और आप चाहें तो इसे मक्के की रोटी के साथ में, बाजरे की रोटी के साथ में, सादा गेहूं के आटे की रोटी के साथ में बनाकर खा सकते हैं। उसमें बहुत सारा मक्खन डालकर खाएं रोटी के साथ में। सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और इसको आप बहुत बनाकर खाएं। आज हमने इस तरह से बनाई, आप भी इसे बनाएं जिस तरह से हमने बनाई है, और बनाकर खाएं और हमें बताएं कि आपको यह इस सब्ज़ी का स्वाद कैसा लगा, आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और हमारा चैनल दोस्तों आज हमने जो ये हरे सरसों की पत्ते की सब्जी बनाई है उबालकर, सूखी सब्जी, इसको वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। आप भी इसी तरह बनाएं और इसी तरह खाएं। और हमारा चैनल वाह क्या स्वाद है, ये दोस्तों मेरे चैनल वाह क्या स्वाद है। मेरे चैनल के ऊपर मैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज लाती रहूँगी और आपको दिखाती रहूँगी। आप भी इसी तरह से डिशेस को बनाएं। और दोस्तों मेरे चैनल वाह क्या स्वाद है देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमें बेल आइकन का घंटा ज़रूर दबाएं, और इसमें हमें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी चीज़ हम बनाएं, जो भी दोस्तों हमारे चैनल मेरे चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटे को दबाना ना भूलें। और इसी तरह से मैं अपनी नई नई रेसिपीज आपके सामने लाती रहूँगी और आपको दिखाती रहूँगी। आप भी उन्हें इसी तरह बनाएं और उनका स्वाद अनुभव करें और हमें बताएं आपको ये कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, जब तक हमारी नई वीडियो आती है तब तक आपके लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।